तो हेलो गाइस, गुड नाइट के लिए अभी तो रात हो गई है। और ब्लॉग तो हमने आज का आई थिंक यहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि आज है मम्मी का बर्थडे। आज 10 मई और है मम्मी का बर्थडे, तो आज ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं है। पीहू भी गाँव गई है, नानी जगह मामा मामा सब गाँव गए हैं, तो आज मम्मी का बर्थडे है तो नॉर्मली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी केक लाए हम लोग, तो चलिए दिखाते हैं आपको केक। छोटा सा है ये केक लाए बाबा। अरे तो खिसक गया, बाइक में लाते हैं किसी भी जाता है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरी वाइफ का बर्थडे, और आज हमने कुछ खास बनाया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ सारे लोग थे नहीं, तो नॉर्मल से बर्थडे बना रहे हैं। बट अब देखने बनाना तो पड़ेगा कुछ कुछ, तो बनाते हैं। नॉर्मली हमारा चल रहा है। अरे ये सब कट करने के चक्कर में है, नहीं कट पी हो गई भी है गांव, तो वरना भी कट हो चुका होता, तो जल्द शुरू हो चुकी होती, क्योंकि वही हर किसी का बर्थडे होता पी हुई केक काटती है। तो आई मिस पी हु। वो अगर पी हु अभी इस ब्लॉग को देखेगी ना तो रोएगी, बोलेगी मेरे को भी खाना है। उसको अभी आज पता नहीं होगा ना, पता नहीं उसने बात ही नहीं करी जब से गई है ना। मैंने उससे बात ही नहीं करी, किसी से बात नहीं करी, वो बात ही नहीं कर रही है, नहीं आया, बिजी हो रही है बहुत ज़्यादा गांव में घूम घूम के। आज वैसे भी गांव में पूजा थी तो इसलिए। चिन्नू तुम ऐसे क्यों बैठे हो बब्बू? शीरो का सही है, ये तो केक बिल्कुल पसंद नहीं करता है खाना। हमारा बुब्बू था वो तो फिर भी खा लेता था, शीरो नहीं खाता। हमारी किट्टू खाती है, स्वीटी थोड़ा बहुत खाती है, बाकी और ज़्यादा इतना शौक से खाते नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये रही मैं, और आज ऐसे कुछ ज़्यादा पार्टी तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम घर में हम तीनों ही हैं। पीयू भी गाँव गई है, मम्मी मेरी सिस्टर भाई सब गाँव गए हुए हैं, और बस हमारे बच्चे हैं ये और हम हैं, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये आगे मेरी चिकन, मेरी चिका चिकू दिख रही है आपको? कहाँ गई चिकू, दिख रही है ना? ये रही चिकू, ये खाती है केक, हमला ना कर दे बाबू। ये तो ये मुझे दिया है बेटा पापा ने, पता है पापा ने दिया है। मम्मी बैठी थी केक सर्व कर रही थी, तो पापा ने ला के दिया। क्या है ये? ओ वॉच, वॉच वॉच लग रही है मुझे, आई थिंक वॉच होगी। ओ वाओ, थैंक यू वॉच है। इतने बड़े गिफ्ट मिले हैं मुझे, एक्सपीरियंस हो चुका है। कितनी प्यारी वॉच है, ये तो बहुत सुंदर है। ये रही वॉच जो पापा ने मम्मी को दी, बड़ी सुंदर लग रही है, मगर लड़की वाली है। तुझे पहने थे? नहीं, पापा ने गिफ्ट दिया तो मम्मी को, बहुत अच्छी है। पहन के दिखाओ एक बार मम्मी। पापा बनाएंगे ना मुझे? अभी जो पॉलिथीन में लगी है पन्नी, इतनी ही लगी है, ये सेट भी करने पड़ेंगे ना इसका, तो लॉक। हाँ लॉक तो मैं कटवा लाऊंगी, वैसे मुझे हल्की लूज ही चाहिए। हाँ ये हल्की सी लूज है, बट बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। थैंक यू। ये पापा कैमरा देखो, ये ही घड़ी हमारी, तो अब इसको सेट वेट करेंगे, इसको हल्की सी कटिंग करा के लाऊंगी ना। हाँ पीयू की कमी हमारी चीकू पूरी करेगी, है ना चीको? केक खाओगे बाबू? आज तुम गूंगी क्यों हो गई हो? मम्मी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चीको लो केक खाना है, वो कंफ्यूज हो रही है, उसे ना चॉकलेट केक बहुत पसंद है। वैसे पेट्स को देना नहीं चाहिए मीठा या केक वेक, मगर क्या करें, हमारे ऐसे है ना, हम नहीं भी देंगे ना छीन के खा लेंगे। आऊ लग रही है, देखो उसे भूख लग रही है, आऊ करते ना तो इसका मतलब है उसे भूख लग रही है। चीकू खाओगी? इधर आओ, मम्मी के पास आओ, मम्मी की बेइज्जती कर देते हो बाबू तुम ना आकर। तो जी ये है मेरे बर्थडे का केक, और हमने कट किया है पापा को स्पेस में देना है, और पीछे टीवी चल रहा है अभी, और सिरवा यहाँ बैठा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं खाता केक से मतलब है। चीकू खाती है मेरा केक, ये देखिए चेयर के नीचे छुपी पड़ी है। तो जी इसी के साथ करते हैं व्लॉग को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड वीडियोज़।